बीती रात हॉरर सीरीज अधूरा की स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें बी टाउन के कई सितारे एक से बढ़कर एक लुक में दिखाई दिए। कुछ अपने लुक से फैंस को इम्प्रेस करने में कामयाब रहे तो कुछ हुए जमकर ट्रोल। चलिए आपको दिखाते हैं कौन क्या पहनकर पहुंचा। हिना खान ने ब्लैक प्रिंटेड जंपसूट पहना, खुले बाल, हील्स और मैचिंग बैग के साथ लुक को कंप्लीट किया। श्रुति हसन बॉयफ्रेंड के साथ पहुंची। हर बार की तरह श्रुति ब्लैक ड्रेस में नजर आई, जिसके साथ गले में पर्ल नेकलेस पहना था। ऑल ओवर लुक में श्रुति सुंदर लगी। रिया चक्रवर्ती ऑल ब्लैक लुक में दिखी। अनुष्का रंजन ने व्हाइट शॉर्ट ड्रेस पहनी, जिस पर ब्लेजर कैरी किया था। मैचिंग बैग और गले में नेकलेस के साथ लुक को पूरा किया। अनुष्का अच्छी लग रही थी, तो वहीं उनकी बहन आकांक्षा रंजन ब्लैक पैंट के साथ ग्रीन कलर का कोट कैरी किया था। फिल्म इश्क विश्क फेम एक्ट्रेस शहनाज ट्रेजरीवाला भी स्क्रीनिंग पर पहुंची। शहनाज का लुक काफी बदल गया है। उन्होंने पिंक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी, साथ में व्हाइट प्रिंटेड लॉन्ग शूज कैरी किए। ओवरसाइज बैग और गले में नेकलेस पहना शहनाज का लुक यूजर्स को बहुत खास पसंद नहीं आया। महिमा मकवाना ने येलो कलर का फ्लोरल क्वाड सेट पहना, जिसमें वो सुंदर लग रही थी। प्रनूतन बहल व्हाइट एंड टॉप और जीन्स में नजर आई। रसिका दुग्गल बदली बदली दिखी, ब्लू कलर का क्वाड सेट पहना,
साथ ही अपना न्यू हेयर कट फ्लॉन्ट किया। सोनाली सहगल डेनिम लुक में अच्छी दिखी। न्यू जीन्स और ब्लैक क्रॉप टॉप में कृतिका कामरा का स्टाइलिश लुक गर्ल्स फैंस को पसंद आया। आपको किसका लुक आया पसंद कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।